सपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत को कोर्ट से राहत नहीं मिली। उन्हें 5 दिन यानी 16 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया है। निखत की आज रात चित्रकूट जेल में ही गुजरेगी, जिस जेल में उनके पति और सपा विधायक अब्बास अंसारी हैं। इस दौरान पुलिस जरूरत के हिसाब से जेल में ही अब्बास की पत्नी निखत अंसारी से पूछताछ कर सकती है। हकीकत ये है कि बाहर से मोबाइल लेके ट्रैप करके और डेढ़ साल पहले की उनकी शादी हुई थी, गहने वो पहने हुए थे, वो दिखाते हैं कि गहने, और एलिगेशन ये है कि जेल प्रशासन के अंदर जाके वो इस तरह की घटना हो रही थी कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ से उठा ले जाएंगी, भगा ले जाएंगी। तो ऑफेंस एलिगेशंस जो भी थे वो वेक थे, और जो आजकल चल रहा है उसके तहत उनको अरेस्ट करके 487 कुछ नॉन अवेलेबल ऑफेंस थे उस पर इन्होंने यहाँ पे भेजा है रिमांड, जो कि हम समझते हैं कि रिमांड एक्सेप्ट हो जाएगी। जेल में बंद, चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी प्रकरण में उत्तर प्रदेश सरकार और जेल प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल अधीक्षक, जेलर, डिप्टी जेलर, इसके साथ 5 वार्डन को सस्पेंड किया है। इन सभी पर अब्बास को उनकी पत्नी से मुलाकात के मामले में जेल मैनुअल के उल्लंघन का आरोप है। ऐसे में जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर, जेलर संतोष कुमार, डिप्टी जेलर पीयूष पांडे, चित्रकूट जेल के 5 वार्डन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है। इसके साथ ही अब्बास अंसारी के जेल ट्रांसफर को लेकर भी सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं इस बड़ी कार्रवाई के बाद उन्नाव के जेलर राजीव कुमार सिंह को चित्रकूट जेल का नया जेलर बनाया गया है, जबकि देव शरण सिंह को डिप्टी जेलर की जिम्मेदारी मिली है।